सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि हमने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत और चीन के बीच आयोजित की गई कोर कमांडर्स लेवल की दूसरी मीटिंग में जिन अहम मुद्दों पर बातचीत की गई थी उनमें से एक ये था कि पेंगोंग सू लेक में अप्रैल 2020 के स्टेटस को मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि अप्रैल 2020 में यहाँ पे जो स्थिति थी चाइना को उसी स्थिति में वापस जाना पड़ेगा। और साथ ही गलवान घाटी से भी चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती पीछे की तरफ की जाने को लेकर बात की गई थी। हालांकि 15 और 16 जून की हिंसक झड़प के बाद से गलवान घाटी से पहले ही दोनों देशों की सेनाएं पीछे की तरफ हो गई हैं। और अब सबसे मुख्य मुद्दा रह गया है पेंगोंग सू लेक का और इस क्षेत्र में चीन की गतिविधियों के बढ़ने की रिपोर्ट सामने आई है। और आज के एपिसोड में हम आपको इसी पेंगोंग सू लेक वाले एरिया के सामरिक महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। पेंगोंग सू लेक एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भारत और चीन के बीच की एलएसी कोई ठोस जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर है और ये 14,270 फीट की ऊंचाई पर है और इसकी लंबाई करीब 134 किलोमीटर है और ये भारत से चीन के कब्जे वाले तिब्बत तक फैली हुई है। और इस लेक की जो 60% लेंथ है वो तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन यानी कि चीन के कब्जे वाले तिब्बत तक आती है और इसलिए इस लेक के 60% एरिया पर चीन का कब्जा है। और इस पेंगोंग सू लेक के आसपास पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के नीचे वाले हिस्से को फिंगर्स कहा जाता है क्योंकि ऊपर से देखने में ये हाथों की उंगलियों की तरह दिखती है और ये पेंगोंग सू लेक इन्हीं फिंगर्स के साथ साथ बहती है। और इन फिंगर्स को अलग अलग नाम दिए गए हैं जैसे कि फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, 5, 6, 7 और 8 और जबकि फिंगर 4 तक भारत का कब्जा है और जबकि फिंगर 3 और 4 के बीच में भारत की एक पोस्ट भी है। और जो भारतीय सेना है वो पश्चिम से पूर्व दिशा तक फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी क्योंकि भारत एलएसी का यहीं तक होने का दावा करता है। और जबकि चीन ये मानता है कि एलएसी फिंगर 2 से होकर गुजरती है और करीब 6 साल पहले चीन की सेना ने फिंगर 4 पर स्थायी निर्माण की कोशिश की थी जिसे बाद में भारत की तरफ से हुए कड़े विरोध के बाद हटा दिया गया था। और इस क्षेत्र में निगरानी के लिए फिंगर 8 पर चीन ने अपनी एक पोस्ट भी बना रखी है और फिंगर 2 पर पेट्रोलिंग के लिए चीन की सेना हल्के वाहनों का प्रयोग करती है और फिर यहीं से वो वापस हो जाती है। और इस पेट्रोलिंग के दौरान अगर उनकी मुलाकात भारत की पेट्रोलिंग पार्टी से होती है तो उन्हें वापस जाने को कह दिया जाता है और यहीं पर सारी कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि वाहन ऐसी स्थिति में होते हैं कि वो टर्न नहीं ले सकते हैं। यानी कि जो ये फिंगर एरिया है यहाँ पर दोनों देशों के सैनिक अपने अपने दावे के अनुसार पेट्रोलिंग तो कर सकते हैं लेकिन वे यहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। और ये विवाद शुरू तब हुआ जब चीनी सेना ने भारतीय सेना को फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करने से रोक दिया था और फिंगर 8 से फिंगर 4 तक करीब 8 किलोमीटर के इलाके पर अपना कब्जा कर लिया और यहाँ पे चीन ने अपने बंकर स्थापित करके सैन्य निर्माण भी शुरू कर दिया है। हालांकि जो पेंगोंग सू लेक 1962 के बाद सही दोनों देशों के बीच तनाव की वजह से हर बार सुर्खियों में रही है और 1962 में चीन ने इसी इलाके से भारत पर अपना मुख्य हमला बोला था और अगस्त 2017 में भी पेंगोंग सू लेक के किनारे ही भारत और चीन के सैनिकों के बीच भिड़ंत हुई थी। और ये जो पेंगोंग सू लेक है ये भौगोलिक स्थिति से रणनीतिक रूप से बेहद अहम इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये चुसूल अप्रोच के रास्ते में पड़ती है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन अगर भविष्य में कभी भारतीय क्षेत्र पर हमला करने की कोशिश करता है तो वो चुसूल अप्रोच का इस्तेमाल ही करेगा क्योंकि इसका रणनीतिक महत्व है। और इसलिए पेंगोंग सू लेक के उत्तर और दक्षिण की तरफ से चीन के दुस्साहस की आशंका हमेशा बनी रहती है क्योंकि उत्तर में काराकोरम पास जो कि करीब 18 किलोमीटर लंबा है और यहीं पर देश की सबसे हाईएस्ट एयरफील्ड दौलतबेग ओल्डी भी स्थापित है और अब काराकोरम सड़क के रास्ते इस दौलतबेग ओल्डी से जुड़ गया है। और वहीं दक्षिण में चुमार है जो पूरी तरीके से हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है और पेंगोंग लेक पूर्वी लद्दाख में 826 किलोमीटर के बॉर्डर के केंद्र के एकदम करीब है। और पेंगोंग सू लेक के फिंगर एरिया का जो असल विवाद है वो 1999 से शुरू हुआ था जब भारत पाकिस्तान से कारगिल युद्ध लड़ रहा था। तब उस समय चीन ने इसका फायदा उठाकर पेट्रोलिंग करने के बहाने इस एरिया में फिंगर 8 से लेकर फिंगर 5 तक एक सड़क बना ली थी और चूंकि उस समय भारत पाकिस्तान के साथ व्यस्त था तो इसलिए भारत ने कोई खास ऐतराज भी नहीं जताया क्योंकि तब चीन ने वहां अपना कोई बंकर या चौकी नहीं बनाई थी। लेकिन इस साल मई महीने की शुरुआत में चीन ने पहले तो इस 1999 वाली सड़क की ब्लैक टॉपिंग का बहाना बनाया और फिर यहीं पर आकर जम गया और चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों को फिंगर 4 से आगे पेट्रोलिंग भी नहीं करने दी और इसलिए जो पूरा फिंगर एरिया है ये एक विवादित क्षेत्र है। इसे मिलिट्री लैंग्वेज में फ्लैश पॉइंट कहते हैं। और अब मुद्दा यह है कि चीन पेंगोंग सू लेक वाले एरिया से डिसएंगेजमेंट शुरू कर देता है, यानी कि अगर वो अपने सैनिकों को वापस बुला लेता है और उसने जो बंकर्स बनाए हैं उनको हटा देता है तो फिर वो जो भारत के क्षेत्र में
कब्जा करने की कोशिश में है तो वो उसमें कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से अभी तक भारत और चीन के बीच विवाद सुलझा नहीं है। वरना अगर चीन जापान जैसे अपने परंपरागत दुश्मन के साथ बड़े बड़े विवादों को केवल बातों से सुलझा सकता है तो फिर अभी तक भारत के साथ वो क्यों नहीं सुलझा पाया है। हालांकि अब जो हालात है वो पहले की तुलना में काफी ज्यादा बदल गए हैं क्योंकि भारत ने अब चीन पर भरोसा करना छोड़ दिया है और भारत सरकार को ये समझ आ गया है कि चीन के साथ लगी सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना कितना जरूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर सड़क निर्माण किया जा रहा है और ये भी एक कारण है जिस वजह से चीन परेशान है। और यहाँ पे जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दरबुक शोक और दौलत बैग ओल्डी रोड बनाई गई है इसका चीन की तरफ से सबसे ज्यादा विरोध किया गया था, लेकिन भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि यहाँ पे जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं वो अब किसी भी हालत में रुकने वाले नहीं है क्योंकि वो सारे निर्माण कार्य भारत के क्षेत्र में हो रहे हैं और भारत के क्षेत्र में भारत को क्या करना है ये कोई दूसरा देश नहीं समझाएगा। और हमें इस बात में कोई भी संदेह नहीं है कि भारत के इस आक्रामक व्यवहार को देखकर चीन को ये तो समझ आ गया है कि अब उसके जो इरादे हैं वो इतनी आसानी से पूरे होने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज का जो भारत है वो चीनी सैनिकों की हड्डी भी तोड़ रहा है, गर्दन भी तोड़ रहा है और उन्हें गोलगप्पे भी खिला रहा है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यहीं से मिलता है कि इस बार चीन ने खुद इस विवाद को सुलझाने के लिए कोर कमांडर्स लेवल मीटिंग को आयोजित करने के लिए अप्रोच किया था। हालांकि इस मीटिंग में भी चीन ने पहले की तरह ही डिसएंगेजमेंट की सहमति दी है, पर अब भारतीय सेना पूरी तरीके से सचेत है क्योंकि उन्होंने चीन पर भरोसा करना छोड़ दिया है। और चीन की इन बातों का प्रभाव तभी पड़ेगा जब वो इन बातों को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करके दिखाएगा, और जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक दोनों देशों के बीच जो विवाद है ये ऐसे ही बने रहेगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक फिंगर एरिया 8 के पीछे चीन ने अपने लाइट टैंक्स और अर्टिलरीज को तैनात किया हुआ है और इसके बाद से ही भारतीय सेना ने भी फिंगर एरिया में मिरर डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है। और जबकि पूर्वी लद्दाख में तैनाती के लिए इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन आर्मी के T-72 टैंक्स को आज एयरलिफ्ट किया है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।